नमस्कार स्टूडेंट, बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अब बिहार के जो छात्र हैं वो बड़ी जोर शोर पे करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में यदि आप अभी तक ये इंतज़ार कर रहे हैं कि फॉर्म जब आएगा मैं फॉर्म भरूंगा, परीक्षा का डेट जब जान जाऊंगा तब मैं तैयारी करूंगा, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि मेरे पास डेली कम से कम 15 से 16-17 बच्चों का फ़ोन कॉल आता है कि सर बिहार पॉलिटेक्निक कब आप शुरू कर रहे हैं। तो मुझे इससे आइडिया लग रहा है कि बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी करने वाले बच्चे जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हैं पढ़ाई को लेकर के, वे लोग अब शुरू कर दिए हैं पढ़ना। तो आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं अभी लूज होकर बैठे हुए हैं तो भैया टाइट हो जाओ और शुरू कर दो पढ़ाई करना। तो इसी क्रम में मैं आज घातांक और करणी का चैप्टर ले रहा हूँ, उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बढ़ रहा हूँ। इसके पहले का थ्योरी कॉन्सेप्ट बेसिक मैंने बता दिया है, आपको यदि चाहिए तो चैनल पर जाकर देखिए, नहीं मिलता है तो संपर्क कीजिए। अब सवाल नंबर 2 ज़रा देखो, इतना खूबसूरत सवाल शायद लाइफ में पहली बार आप देखेंगे और पहली बार इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बोला गया है, यदि a की पावर 1/x बराबर b की पावर 1/y बराबर c की पावर 1/z और b स्क्वायर बराबर ac, तो x प्लस जेड का मान क्या है, यही ना पूछा है। अब आप ज़रा बताओ, ये पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा भी गया था। आप मुझे ये बताओ कि आप इसको कितने टाइम में कर लोगे, किस तरीके से कर लोगे? नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम लगेगा। देखो मैं बताता हूँ एक तरीका, आप इतना बराबर इतना बराबर इतना दिया है तो बराबर आप मान लो अपने मर्जी से कुछ भी मान लो, बराबर मैंने के मान लिया, ठीक है, मैंने बराबर क्या मान लिया के। अब ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, तीनों के बराबर के है तो करेंगे क्या, ए का मान निकालेंगे तो के ऊपर ये वाली घात पलट जाएगी, के ऊपर 1/x है तो इसके ऊपर जाएगा x बटा 1 लिखेंगे, तो x के नीचे 1 लिखते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। बी बराबर के ऊपर y घात, सी बराबर के ऊपर z घात, ये हो कैसे रहा है? देखो इतना बराबर इतना जब हो गया तो जब घात को दाहिने पक्ष में भेजेंगे तो घात उल्टा हो जाएगा। तो देखिए घात 1/(1/) में नीचे था, यहाँ ऊपर हो गया, या नीचे है तो यहाँ ऊपर हो गया, या नीचे है तो यहाँ ऊपर हो गया, ठीक है। तो आप जरा गौर से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे, बी की जगह पर बी का वैल्यू के पावर वाई रखेंगे यहाँ पर, और इसके ऊपर 2 घात लगा देंगे, बराबर ए की जगह पर ए का वैल्यू के पावर x लिखेंगे, इंटू सी की जगह पर सी का वैल्यू के पावर z। अब घात का घात में गुणा होगा के पावर 2y, अब k इंटू के है तो के पावर को जोड़ देंगे x प्लस z, और नीचे से k और k कट गया, क्या बचा 2y बराबर x प्लस जेड। एक्स प्लस जेड का वैल्यू पूछा है, x प्लस जेड का मान निकल के आया 2y। तो मेरे कौन सा विकल्प में सही हुआ, मेरा विकल्प नंबर बी वाला सही हुआ। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्त को भी बताइए कि मेरे से जुड़ करके, मेरे चैनल से जुड़ करके पढ़ाई करें। 100% गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन बिहार यूपी पॉलिटेक्निक झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़रूर होगा। अगला सवाल बताता हूं, जरा उसको देखिए, उसको भी देखिए। अगर आप चाहते हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक व बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम को 100% गारंटी के साथ पास करना, तो आप हमारा पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास में मैं आपको क्या क्या दूंगा जरा इसके बारे में आपको बता देता हूं। यदि आप हमारा पेड क्लास लेते हैं तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का कंप्लीट 50 चैप्टर मैथ का वीडियो आपको मिलेगा,
और 24 चैप्टर फिजिक्स का वीडियो मिलेगा और 24 चैप्टर केमिस्ट्री का वीडियो मिलेगा, 50 चैप्टर लगभग है मैथ में, इतना बड़ा सिलेबस है एंट्रेंस एग्जाम का, और 24 फिजिक्स का, 24 केमिस्ट्री का। इसके अलावा साथ में आपको 5000 क्वेश्चन का PDF मिलेगा प्लस 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको। इतना सारा मटेरियल, इतना सारा सिलेबस कोर्स पढ़ने के लिए आप जाओगे किसी भी कोचिंग में, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, बनारस, कानपुर, कहीं भी कोई भी कोचिंग वाला आपसे 5000-6000 से कम नहीं लेगा, कुछ लोग तो 10-10 हज़ार भी लेते हैं इलाहाबाद वाले, ठीक है। तो इतना ही चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, एक ही बार पढ़ाएंगे, 5000 ले लेंगे। वही चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे, आपकी मदद करेंगे, आपका हेल्प करेंगे, मात्र 500 रुपये में वही चीज़ आपको देंगे। अब कोई कह रहा कि भाई अभी तो पैसा ले रहे हो, पैसा लेना नहीं है, ये आपकी हेल्प करना है। कैसे अब बताओ, 5000 वाली चीज़ अगर आपको 500 में दें, आपका 4500 लाभ करवाएं, तो ये आपकी मदद नहीं है तो क्या है? हम भी तो टीचर हैं, हमें भी तो थोड़ी बहुत रोजी रोटी करनी है। इस नाते बेटा ये सब झंझट छोड़ो, आप सीधे हमारा पेट कला लीजिए। पेट कला लेने के लिए 7525-8180-38 पर पॉली लिख करके व्हाट्सअप करिएगा, 7525-8180-38 पर पॉली लिख के व्हाट्सअप करिएगा। आपको इधर से मैसेज जाएगा, उसमें डेमो वीडियो रहेगा। डेमो यदि आपको पसंद आता है तो उसी मैसेज में अकाउंट नंबर रहेगा, उसी अकाउंट में ये 500 रुपया आप पेड करके किसी भी दुकान वाले से पेड कराएं, चाहे खुद पेड करें, स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपके व्हाट्सएप पर क्लास शुरू कर दिया जाएगा। धन्यवाद। अगला सवाल इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है, देखिए क्या कहता है। 1/(p)(x-y) प्लस 1/(p)(y-x) इसका वैल्यू पूछा है, ये 2010 में पूछा गया था। तो भाई साहब मत परेशान होइए, मैं हूँ ना, देखो मैं आपको किस तरह बताता हूँ। अगर ध्यान से देखिए, p^(x)(p)-y) अलग अलग कर दें, p^(x)(p)-y) इसको p^(x)-y) समझेंगे, और इसको p^(y)(p)-x) इसको p^(y)-x) समझेंगे। तो जहाँ पर ये है वहाँ पर ऐसे ऐसे समझना है, और जहाँ पर ये है वहाँ पर ऐसे ऐसे समझना है, ठीक है। तो हो जाएगा 1/(p^(x)(p)-y) 1/(p^(y)(p)-x) तो जो माइनस वाला है वो नीचे जाएगा बटे में, इसके नीचे हो जाएगा, फिर इसका गुणा यहाँ होगा, और फिर ये पलट के ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है। तो p^(-y) ये मान लो कि नीचे आ गया, और नीचे से यहाँ गुणा करके ऊपर भी चला जाएगा, तो समझिए क्या हो गया, p^(+y) ऊपर, और नीचे यहाँ पर p^(y), और ये +p^(x), और ऐसे ये भी x वाला यहाँ गुणा हो जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा, और नीचे जाएगा p^(x)+p^(y). अब दोनों का हर देखिए आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ, दोनों का हर आपस में बराबर हुआ, तो अंश में अंश क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो p^(y)+p^(x) बटे नीचे भी p^(y)+p^(x), दोनों का हर एक ही है, तो दोनों सीधे ऊपर से नीचे कट जाएगा, आएगा कितना, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, क्लियर। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, इत्मीनान से देखिए, ठीक है। अब इसका एक और तरीका है, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, क्या बताता हूँ। देखिए एक और छोटा तरीका है, ये तो रहा एकदम सिस्टमेटिक तरीका, इसको सॉल्व करने का बारूद वाला तरीका एकदम झटपट होगा। 1/(p^(x-y)+1/(p^(y-x), ठीक है। तो आप यदि x-y = 0 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 0, ध्यान से देखिएगा। तो दोनों पक्षों में यदि माइनस का गुणा कर दें,
तो ये माइनस एक्स और ये प्लस वाई, इसमें दोनों पक्षों माइनस का गुणा कर दें तो प्लस वाई माइनस एक्स, इधर माइनस का गुणा करेंगे तो जीरो में माइनस का गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि इसका भी वैल्यू जीरो और इसका भी वैल्यू जीरो, जीरो लेके हल करो कसम से आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, वन अपान वन प्लस पी की पावर, ये क्या है, ये जीरो है, ये क्या है, जीरो है। तो पी की पावर जीरो, और किसी भी संख्या के ऊपर जब घात जीरो होता है तो उसका वैल्यू वन होता है, होता है ना। तो यहाँ पे आ गया वन, ऐसे नीचे वन अपान वन प्लस, इसका वैल्यू क्या है, इसका भी वैल्यू जीरो है। और किसी भी संख्या के ऊपर घात जब जीरो होता है तो उसका वैल्यू वन होता है। तो वन, तो वन अपान वन वन टू हो गया, वन अपान वन वन टू हो गया। फिर जब हर बराबर हो गया तो एक और एक दो बटे दो कट के आया एक, तो ऐसे भी हमारा आंसर आता है। तो ये वीडियो आपको कितना पसंद आया कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।